हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सान ऑटो। दोस्तों, इस साल जो है काफ़ी सारे रेट्रो लुकिंग बाइक्स लॉन्च होने वाली है, जिनके बारे में काफ़ी टाइम से कोई भी न्यूज़ सामने नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए TVS की तरफ से एक न्यूज़ लेकर आई हूँ, जो कल ही आई है। TVS जो है अपने फर्स्ट रेट्रो लुकिंग बाइक रेट्रॉन को लॉन्च करने के लिए तैयार कर चुकी है, और बाइक के लॉन्चिंग डेट के बारे में भी इस न्यूज़ में कहा गया है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को जो है बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये सभी इन्फॉर्मेशन हम आप ही के लिए कलेक्ट करते हैं, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ऐसे और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दूं, TVS रेट्रॉन नाम को जो है 2020 के नवंबर को ट्रेडमार्क करवाया था, जिसके नाम से ये तो क्लियर है कि एक रेट्रो लुकिंग बाइक होने वाली है। उसके बाद इसे 2021 में कई बार टेस्टिंग के दौरान स्पॉट भी किया गया है। हालांकि स्पॉटेड इमेज से बाइक के ज्यादा कुछ फीचर्स के बारे में पता नहीं चल पाया, बट इतना तो क्लियरली देखा जा सकता है कि बाइक में एक ऑफसाइड माउंटेड कंसोल दी गई है कलर TFT यूनिट के साथ, जिसमें आपको बाइक के सारे इन्फॉर्मेशन शो हो जाएंगी। और भी इसमें आपको एक राउंडेड हेडलाइट, टीयर ड्रॉप शेप में फ्यूल टैंक भी दी गई है, जो अभी के सभी रेट्रो लुकिंग बाइक्स में कॉमन है। और दोस्तों, बाइक की अपराइडिंग पोस्चर, जिसके लिए बाइक में एक सिंगल पीस रिलेटिवली फ्लैट सीट दी गई है, जो एक प्रॉपर स्क्रैम्बलर बाइक की निशानी है। साथ ही बाइक की अंडर सीट LED टेल लाइट और इंडिकेटर्स बाइक को थोड़ा बहुत हस्कवरना वाली फील प्रोवाइड कराती है। इंजन की अगर बात की जाए तो TVS की ये बाइक 197.7 cc की एयर ऑयल कूलिंग वाली 4-valve मोटर पे बेस्ड होने वाली है, जो आपको Apache RTR 204B में भी देखने को मिल जाती है। और बाइक के फ्रंट में सस्पेंशन का काम करने के लिए USD फ्रंट फॉक, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन के साथ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बोथ साइड सिंगल डिस्क ब्रेक एंड डुअल चैनल ABS का भी यूज किया जाएगा। फाइनली दोस्तों, लॉन्चिंग के बारे में अगर बात की जाए तो जैसा कि न्यूज में कहा गया है, अभी इंडियन मार्केट में रेट्रो बाइक्स की डिमांड काफी ज्यादा है, जिस वजह से TVS भी अपने रेट्रॉन के ऊपर काफी जोरों शोरों से काम कर रही है 2 से 3 महीनों के अंदर लॉन्च करने के लिए। और मेरे हिसाब से दोस्तों, इसका प्राइस 1.50 लाख एक शोरूम के अराउंड ही रहने वाली है।